The question is, find n if n is equals to 3 factorial times 5 factorial times 7 factorial. We can write n factorial is equals to हम 3 को और 5 3 factorial और 5 factorial को expand करके लिख सकते हैं. 3 factorial को expand करेंगे तो हमें मिलेगा 3 into 2 into 1 और multiplied by 5 factorial को expand करके लिखेंगे तो हमें मिलेगा 5 times 4 times 3 times 2 times 1 और 7 factorial को हम as it is लिखेंगे. इसका reason हमें आगे पता चलेगा. Now we can write n factorial as, अगर हम देखें ये जो ऊपर हमने numbers expand किए हैं इनके pairs बनाए तो हमें पहले तो 5 और 2 का pair बना लेते हैं तो 10 मिलेगा. सेकेंड 3 और 3 का पेयर बना लेते हैं तो 9 मिलेगा. और ऐसे ही 2 और 4 का एक पेयर बना देते हैं हम जिससे हमें 8 मिलेगा. और हम 7 फैक्टोरियल को एज इट इज़ लिख सकते हैं. अब यहाँ हम देख सकते हैं हमने थोड़ा रीअरेंजमेंट करके हमें जो वैल्यू मिली है वो एक तरीके से 10 फैक्टोरियल बन रही है. तो n factorial will be equals to 10 factorial. यहाँ से हम इजीली पता कर सकते हैं कि n is equals to 10. तो ये क्वेश्चन में थोड़ा बस रीअरेंजमेंट करना था और आंसर मिल गया.